Assalamualaikum, welcome back to my channel. Cook with Iqra. आज मैं बनाने वाली हूँ chicken fried. जो fried chicken होती है broast की तरह जो KFC style होती है मैं बिल्कुल वो बनाने वाली हूँ आज. तो आइए start करते हैं. सबसे पहले इसके ingredients देख लेंगे. लहसुन अदरक इसमें जाएगा. लहसुन अदरक का वैसे अगर आपके पास पाउडर हो तो आप लोग पाउडर भी ले सकते हैं. मैं पाउडर ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, उसमें फ्लेवर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ही डालती हूँ. बाकी इसमें मैंने ले लिया है नमक ले लिया है, ये एक से थोड़ा, एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही है नमक, क्योंकि आप लोग हमेशा आप हसबे ज़रूरत ही लेते हैं. लाल मिर्च ले ली है, ये मैंने एक चाय का चम्मच ली है, ये भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं. आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, एक अंडा लिया है और इसमें विनेगर लिया है दो खाने के चमचे बड़े वाले भर के, और ये दूध आधा कप मैंने ले लिया है अपने पास. ये इसकी मैरिनेशन है, आज हम लोग इसकी मैरिनेशन दूध में तैयार करेंगे, उससे एक बहुत ही अच्छा और बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आएगा जो हम लोग बाजार से लेके खाते हैं फ्राइड चिकन. बड़ा बोल ले लेंगे, मिक्सिंग बोल, उसके अंदर मैं दूध डाल दूंगी, आधा कप जो मैंने दूध लिया है. अंडा डाल दूंगी एक. अगर आप लोगों की चिकन ज़्यादा है तो आप लोग अंडा दो भी ले सकते हैं. मेरी चिकन जो है 8 पीसेस हैं और मैंने अपनी चिकन जो है वो थोड़े, सॉरी मैं आप लोगों को चिकन तो दिखाने ही भूल गई, चिकन तो ऑब्वियसली इसमें डलेगी ही, ये भी चिकन. तो चिकन के पीसेस मैंने थोड़े नॉर्मल मीडियम लिए हैं, ये देखिए इस तरह के जो पीसेस होते हैं नॉर्मल जो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं. बहुत बड़े पीसेस मैंने नहीं लिए क्योंकि बड़े पीसेस अंदर से ड्राई रह जाते हैं तो वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते. इस तरह के चिकन के पीसेस ले लेंगे जो मीडियम हैं. बहुत बड़े पीसेस अगर आप लोग लेना चाहते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा लुक रखना चाहते हैं, तो आप लोग बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन वो अंदर से इतना ज़्यादा जूसी और अच्छा टेंडर नहीं होते. छोटे पीसेस में बना के देखिएगा, बहुत अच्छा बनेगा. और छोटे पीसेस से ये है कि आप लोग घर में बना रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से जैसा जितना चाहे कर सकते हैं, वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है. तो आइए इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं. मैंने इसमें दूध ले लिया, अंडा ले लिया और मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी, दो चमचे मैंने डाल दिया है. नमक भी मैं डाल दूंगी इसमें, मैंने जितना लिया है. लाल मिर्च भी डाल दूंगी सारी, जितनी चीज़ें हैं सब डाल देंगे हम इसके अंदर. विनेगर भी डाल दिया और अब हम इसे अच्छी तरह से एक कांटे से मिक्स कर लेंगे. ये मैरिनेशन इसकी पूरी तरह से तैयार हो गई है, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया. अब मैं इसके अंदर सारे चिकन के पीसेस वन बाय वन डाल दूंगी. अगर आप लोग चाहते हैं तो स्किन के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं, हमारे यहाँ पे स्किन के साथ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती. बड़े मार्ट्स पे मिलती है, जो मॉल्स होते हैं, जो सुपर स्टोर्स होते हैं, लेकिन वहाँ जाना इतना डेली नहीं होता, ग्रॉसरी के लिए जाना होता है सिर्फ मंथ में एक बार. ये देखिए इसको मैंने पूरी तरह से डिप कर दिया है इसके अंदर, और इसको इस स्टेज पे लाके मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे की मैरिनेशन देनी है. कम से कम 2 से 3 घंटा. अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ओवरनाइट रख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, चिकन बहुत ज़्यादा अंदर से जूसी हो जाएगी और मॉइस्ट हो जाएगी, तो वो बेस्ट है. बेस्ट रिजल्ट के लिए आप लोग उसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ओवरनाइट नहीं रखना चाहते, जैसे रात में बनाना है या शाम में बनाना है, तो आप लोग सुबह में रख दें इसको मैरिनेट करके. लेकिन मिनिमम अगर आप लोग चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे इसको रखें, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 2 से 3 घंटा ही रखूँगी इसको. फ्रिज में रख दें या बाहर रख लें, अभी तो सर्दी का मौसम है तो मैं इसे बाहर ही रखूँगी ढक के 2 से 3 घंटे के लिए. ये देखिए इसको रखे 2 से 3 घंटे हो गए, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, वो अच्छी तरह से डिप होके रहेगा. थोड़ा ज़्यादा रहेगा सामान अगर आपका, ये जो आपने मिक्सचर बनाया हुआ है इसका पूरी चिकन डिप रहेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. ये पूरी तरह से डिप था, अभी मैंने चलाया तो ये ऊपर नीचे आ गई है चिकन. और अब हम इसमें फ्राइंग स्टार्ट करेंगे. ड्राई बैटर बनाऊंगी मैं, अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि ड्राई बैटर के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी. ये देखिए अब मैं आप लोगों को इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. ड्राई इंग्रेडिएंट्स बहुत कॉमन है, सभी को पता है और बहुत आप लोग बना भी चुके होंगे इस रेसिपी से बहुत बार. सबसे पहले मैदा ले लेंगे, 2 कप मैंने छान के ले लिया है, आप लोग भी छान लीजिएगा मैदे को, जो भी कुछ गंदगी वगैरह होती है वो निकल जाएगी. बाकी इसमें आधा कप कॉर्नफ्लावर जाएगा, कॉर्न स्टार्च है. अगर नहीं मिलता या नहीं पता आप लोगों को तो आप लोग अरारोट भी ले सकते हैं,
लेकिन कॉर्नफ्लावर बहुत कॉमन हो चुका है, जैसे हम लोग कॉर्न सूप बनाते हैं ये वो है। बाकी एक छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च है, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा ज़्यादा है ये, थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है हम लोगों को। अगर आप लोग को कम स्पाइसी चाहिए तो आप लोग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक है 1.5 चाय का चम्मच, और नमक भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी मिक्सिंग कर देंगे। एक ये बोल ले लूँगी मैं इस तरह का, एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे जो सभी के घर में मौजूद होता है। ये सिर्फ इजी होने के लिए है, ये अगर आप लोगों के घर में नहीं है कोई बात नहीं, आप इसी के बड़े बोल के अंदर ही सब कुछ मिक्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें करने से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और इससे थोड़ा सा मैस क्रिएट होता है। इसमें डालने से ये इजी हो जाता है कि मैस भी नहीं होता। नमक डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे, और ये वाली मिर्च भी डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। इस तरह से तो हमने कर लिया है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है, इसको इस तरह से बंद किया एयर टाइट कंटेनर को, और इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। ना ये बाहर आएगा, ना ये गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा। चिकन डालने के बाद भी हम इसको इसी तरह से कोट करेंगे ताकि ना इसमें से कोई गंदगी बाहर निकले, ना इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो आपके किचन के अंदर। तो बस इसको रखेंगे, और अब हम चिकन फ्राई करने चलते हैं। ये देखिए, अब हम लोग इसको वन बाय वन कोट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसका एक पीस उठा लूँगी, इसमें अच्छी तरह से कोट करके एक बार, और फिर इसको इसमें डालूँगी, और इसको बंद करके हल्का सा मिक्स कर दूँगी इस तरह से। खोलूँगी इसका ढकना, जो मेरा ड्राई हैंड है उससे मैं इसको निकालूंगी। थोड़ा सा इसको डस्ट कर देंगे एक्सेस, ताकि निकल जाए। ये देखिए कितना कम कोट हुआ है अभी इसके ऊपर। अब हम इसको यहाँ पे एक बोल में आप लोग देख रहे होंगे, ठंडा यख पानी मैंने ले लिया है फ्रीज़र में रख के। अब मैं इसको डालूंगी, 5 से 10 सेकंड के लिए डाल के छोड़ दूंगी, और फिर जो मेरा वेट हैंड है उससे मैं इसको निकालूंगी दोबारा, और फिर से इसको हम ड्राई मिक्सचर में डालने के बाद अगेन इसी तरह से हिला हिला के पूरा कोट कर देंगे। एक्सेस झाड़ दूंगी मैं। ये देखिए कितना अच्छे से कोट हो गया है, और अब मैं इसे निकाल के एक प्लेट में रखती जाऊंगी। 2 चिकन पीसेस मैंने सिंगल कोटिंग के साथ ही रख लिए हैं। अब मैं एक आप लोगों को डबल कोटिंग के साथ दिखा देती हूँ। डबल कोटिंग का मतलब यह है कि 2 बार हम उसे पानी में डिप करके रखेंगे। इसको बंद करके हिलाऊंगी मैं। ये देखिए इस तरह से अगर ये टेक्सचर होने लगेगा, आप इसका मतलब ये है कि आपका ब्रोस्ट बहुत अच्छा बन के तैयार होने वाला है। पानी में डिप कर दूंगी 5-10 सेकंड के लिए, उसके बाद मैं इसको निकाल के बैटर में डाल दूंगी। देन मिक्स करने के बाद एक बार हम इसे और पानी में डिप करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ी सी क्रिस्पी, मोर क्रिस्पी चाहते हैं अगर, वैसे तो ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर बन गया है। ये फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी बन जाएगा, लेकिन हम इसको एक बार और कोट कर देंगे। डाला और बस इसे फौरन निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर जो है स्किन आ गई है, जो हम लोग जो यूजुअली बाहर यूज़ करते हैं लोग, स्किन के साथ ये बिल्कुल स्किन लग रही है इस वक्त। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूंगी, ऐसे ही कर देती हूँ अभी, और बस अब हम इसको इसकी थोड़ी सी बोन से पकड़ के इसका एक्सेस झाड़ देंगे, ताकि बहुत ज़्यादा मोटी लैपिंग ना हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा पीस हमारा ये बन के तैयार हो गया है। इसको हम यहाँ साइड पर रख देंगे, और इसी तरह से सारे बना लूँगी मैं, और फिर इसको फ्राई करेंगे। मैंने तेल गरम करने के लिए पहले रख दिया था जब मैं इसको वो कर रही थी कोटिंग। ये देखिए सारी चिकन को मैंने इस तरह से कोट कर लिया है और अपने पास रख लिया है, और मैं वन बाय वन इसमें तेल में डालती रहूँगी। और बहुत ज़्यादा तेल में हमें
नहीं डालना, आई मीन बहुत ज़्यादा पीसेस हम एक साथ नहीं डालेंगे, और तेल का जो टेम्परेचर है हमारा वो थोड़ा लो ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हम इसे कुक नहीं करेंगे, बस हम 3 पीसेस से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर स्पेस रहनी चाहिए इसमें, अगर स्पेस नहीं रहेगी तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगी और सारा क्रम जो है एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ है वो उतरना शुरू हो जाएगा टकरा टकरा के आपस में। तो बस अब हम इसे 4-5 मिनट पहले एक साइड होने देंगे, फिर दूसरी साइड होने देंगे, लेकिन टोटल इसमें टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट, क्योंकि 15 से 20 मिनट में ही चिकन जो है वो कम्प्लीटली कुक होती है। तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, इस स्टेज पर आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि ऑयल का टेम्परेचर आप लोगों का बिल्कुल इतना ही होना चाहिए। इस तरह का जो बबल्स इस तरह के बिल्कुल हल्के हल्के निकल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल रहे होंगे, दैट मीन्स कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, हल्के हल्के निकल रहे हैं, इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। और ये नीचे से देखें कितना अच्छा कुक हो रहा है, हल्की आँच पर इसको पकाने का सिर्फ हमारा जो वो होता है मेन मोटिव वो ये होता है कि हल्की आँच पर एक तो ये चिकन अंदर से पूरा पक जाता है, और ये जो क्रम होता है ये लॉन्ग लास्टिंग आपका क्रिस्पी रहता है। अक्सर ऐसा होता है हम लोग बनाते हैं ब्रोस्ट तो वो फ़ौरन ही हमारा सॉगी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, हल्की आंच पे बनाएंगे कभी भी सॉगी नहीं होगा, हमेशा कड़क ही रहेगा आपका ऊपर का जो क्रम होता है। अब हम इसको टाइम दे देंगे 10 से 15 मिनट और ये पूरा हो जाएगा। 5 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया है, अभी मज़ीद 15 मिनट और दे देंगे, 20 मिनट में आपकी चिकन अंदर से प्रॉपर पक जाएगी। जब तक हमारा ब्रोस्ट बन रहा है मैंने सोचा इसके साथ जो हम लोग डिप बनाते हैं मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये मैं बना ही रही थी, बाद में मुझे ख्याल आया, बता देती हूँ। इसमें मैंने मेयोनीज ले लिया है 2-3 चमचे, और थोड़ा सा मैंने इसमें पार्सले डाला है या कोरिएंडर जो भी हो आपके पास अवेलेबल, और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी ये गार्लिक, ये गार्लिक का थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा तो थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी, इसमें थोड़ा सा जाएगा विनेगर, सॉल्ट, और अगर आप लोगों को लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा थिक हो रहा है इसका टेक्सचर तो इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डाल दूँगी, विनेगर ज़्यादा नहीं कम डालूँगी क्योंकि गला फ़ौरन ख़राब हो जाता है तो, और सर्दी का मौसम है तो थोड़ा ख्याल रखें आप लोग। इससे मुझे याद आया मेरे चैनल पे सर्दी की रेसिपीज़ जो हैं थोड़ी बहुत डली हुई हैं, आप लोग अगर चाहते हैं तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। गाजर का हलवा मैंने बनाया हुआ है, बाकी कश्मीरी चाय, कॉर्न सूप, आप लोग ये सब जाके मेरे चैनल पे से बनाइए और खाइए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपीज़ कैसी बनी, कॉमेंट करिएगा मेरे चैनल पर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस ये हमारा सॉस तैयार हो गया। अगर चाहते हैं इसको थोड़ा सा लिक्विड करना तो इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं, हमें ऐसे ही पसंद है, थोड़ा स्टिकी स्टिकी तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। बस ये सिंपल सा हमारा सॉस एक डिप बन के तैयार हो गई है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर दिया है क्योंकि बिल्कुल ही हम इसको हल्की आँच पर पकाते रहेंगे तो क्रिस्प लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लेकिन ऊपर से उस वक्त थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। अभी मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया है चूल्हा क्योंकि अंदर से चिकन अच्छी तरह से पक चुका होगा हमारा, क्योंकि टाइम भी हमारा प्रॉपर होने ही वाला है ऑलमोस्ट। मैं लास्ट के 5 मिनट आप लोग थोड़ा सा चूल्हा हाई करके, हाई नहीं मीडियम करके उसको फ्राई करें कि ऐसा लगे कि आपकी इसमें कढ़ाई में कोई चीज़ तली जा रही है प्रॉपर वे में। तो ये देखें अच्छा सा क्रिस्प जो है इसका क्रिस्पी होना शुरू हो गया है। ये देखें हमारे ये जो चिकन पीसेस हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और अब मैं इसको निकालूँगी और ये प्रॉपर क्रिस्पी भी हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं अपनी ट्रे दिखा देती हूँ जिसमें मैं इसको निकालने वाली हूँ। ये मैंने एक छन्नी ले लिया है, इसको मैं छन्नी पे निकालूँगी, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा छन्नी पे निकालें। हम लोग यूजुअली ऑयल अब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग पेपर रावर का यूज़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, उससे और मज़ीद हमारा जो चिकन होता है या कोई भी फ्राइड चीज़ होती है वो सॉगी हो जाती है मज़ीद। इसको अगर आप लोग इस तरह की किसी भी ट्रे पर निकालेंगे या छन्ने पर या किसी भी किस्म का छन्ना ले लें, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही छन्ना हो आप लोगों का, इस पर निकालेंगे तो नीचे जो थोड़ा बहुत ऑयल जाना होगा वो चला जाएगा, लेकिन ये नीचे से हमारा एयर भी जाएगी इसमें और ये क्रिस्पी ही रहेगा। ये देखिए सारे पीसेस मैंने फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर, देखिए कितना अच्छा आया है जैसा ब्रोस्ट का होता है बिल्कुल उसी तरह से, और बहुत ही क्रिस्पी भी है। ये देखिए साइड से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ तो कितना अच्छा था, क्रिस्प है बिल्कुल भी, ये देखिए टूट नहीं रहा है ये बहुत, मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ नहीं सुना पा रही हूँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। ब्रोस्ट हमारा बहुत अच्छा बना है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। साथ में मैंने इसके साथ जो ड्रेसिंग बनाई थी उसकी रेसिपी भी आप लोगों को बता दी है, इस रेसिपी से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छा है और शाम में भी बना सकते हैं, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है फ्राइड चिकन, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाल कलर का जो सब्सक्राइब आइकन सब्सक्राइब का बटन होता है उसको ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन दबा कर, ताकि आप लोगों को आने वाली मेरे चैनल पर हर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।